दोस्तों सॉरी शमीज़ दिख रही थी अभी बादल को टोका गया इसके लिए। दोस्तों देहरादून शताब्दी में बैठ चुके हैं जो 1 बजे देहरादून पहुंचती है। रास्ते में थोड़ा थोड़ा पहाड़, थोड़ी थोड़ी नदी, थोड़े थोड़े टापू सब दिखेंगे हमें। और हम क्यों जा रहे हैं देहरादून यार? हम पता नहीं क्यों जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया हमने सुबह 7 बजे की ट्रेन क्यों करा ली है भाई। ना सोने को मिलता ना जगने को मिलता, कुछ दिन ही माननी है। जो 7 बजे ट्रेन चल रहा है ना आदमी, वो या तो घर से बेला है या स्ट्रगल है या वो रिश्तेदारों के आया हुआ है तो जल्दी निकल रहा अगले दिन। दोस्तों ये इसका कोई फुटेज काट के वायरल कर दे बादल को, क्योंकि इसकी अपनी वीडियो की कट नहीं रही इसके दो शेयर कट रहे हैं। हंसते चेहरिया का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती बट मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने बादल शर्मा को अभी देख लिया, तेज बोलो एडिटर फिर गाली देगा। नहीं नहीं सुनाई दे रहा होगा इसमें, वो नहीं है एयरफोन से नहीं लगे हुए तो दोस्तों अगर अभी तक आपने बादल शर्मा का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है या इंस्टाग्राम पर उनको नहीं फॉलो किया तो कोई कारण रहा होगा आपका। मैं इसमें मतलब मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता आप लोगों के और इससे डिसीजन। ट्रेन उल्टी क्यों जा रही है भाई? हम तो दिल्ली से निकल रहे हैं, फरीदाबाद ले जाएगा क्या? तुम्हें कैसे पता फरीदाबाद इस तरह पीछे की तरफ? मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि देहरादून इंजन इस तरह है दोस्तों। देखिए लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारी सवारी को लग रहा होता है उल्टा जा रहे हैं और काफी सारी को लग रहा होता है वो सीधा जा रहे हैं। जैसे हम कोई अनफॉलो करके जाता था हमें लगता है कि ग्रोथ नहीं है। देहरादून पटियाला और चंडीगढ़ की बहस जब तक ये आएगा तो आप टिकट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब आपने पहले नहीं ली तो बाद में लेके क्या करोगे? और देहरादून से हो भी नहीं मुझे पता। सारे लोग काम कर रहे हैं, ब्लॉग कोई नहीं देख रहा देहरादून या शराब पी रहे। देहरादून में या वो रैंडम ऋषिकेश निकल जा रहे हैं वेंसडे नाइट घूमने आए थे लेट्स गो वीकेंड से आइसक्रीम खाने निकले थे ऋषिकेश आ गया। बट मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ ये जो लोग पहले फॉलो कर रहे करो फिर उसी कारणवश 3-4 दिन बाद अनफॉलो करके जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वजह क्या रही होगी? उन्होंने शायद कॉमिकस्तान देख लिया तो उसमें हम दिखे नहीं, दिखे नहीं उन्हें लग रहा था वो गुड नाइट। उन्होंने गुड नाइट इंडिया भी देख लिया, उन्होंने कॉमिकस्तान भी देख लिया, फिर उन्होंने ये इंडियन लाफ्टर चैंपियन भी देख लिया, तीनों में मैं नहीं दिखा तो कह रहे हैं यार ये तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों इन तीनों में से मैं एक में तो था बट लेकिन अगर आप अलग अलग अवतारों में देना तुम कभी बुड्ढा कभी बच्चा अपने उसमें दे ही नहीं क्योंकि दोस्तों जब मटेरियल नहीं होता तो इंसान अलग अलग हरकतें करता है, कमजोरी अलग अलग तरीके से निकलती है। बट दिल्ली स्टेशन हम छोड़ रहे हैं, ये दिखाते हैं आपको कैसे छोड़ रहे हैं ऐसे। दोस्तों ये जगह है, अगर आपका टिकट ना हो तो यहीं उतर जाए जब ट्रेन आती है तो यहीं से बाहर निकल जाओ ट्रांसफार्मरों के नीचे से, जान का खतरा है लेकिन टीटी नहीं पकड़ेगा। अरे ट्रांसफार्मरों के नीचे वो देखो ना यार जिसका टिकट नहीं होती वो यहीं से उतर जाता है आउटर पे। दोस्तों ट्रांसफार्मर याद रखे अगर आप जा रहे हैं बम्बल बी मिल सकता है आपको रास्ते में। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यार दोस्तों व्लॉग बहुत फनी होने वाला है क्योंकि शो में हम मटेरियल करते नहीं है। अगर आप बादल शर्मा को कभी भी दिल्ली में देखें तो प्लीज़ इनके पास जाएं और कहें 500 रुपये ले लो लेकिन कपड़े अच्छे पहना करो। बट लेकिन बादल इस टाइम प्रेजेंटली 2 सोलो शोज कर रहा है, एक का नाम है मेरी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, दिल्ली वाली मेरी नहीं है उसमें, मेरी नहीं किसी की ना वो मेरी तो नहीं है बट एकदम से दुख तिरक पे हाथ रखा गया। और दूसरा कौन था यार? दूसरा मैं बादल शर्मा लाइव के नाम से कर रहा हूँ क्योंकि एक शो जो मैंने पिछला बनाने की कोशिश की थी वो बन नहीं पाया। अच्छा तो जनता का ही बन रहा था उसमें, मालपुए बना रहे थे क्योंकि वो भी टफ होते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के मैं नहीं चिल्ले 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 लगते हो टूट गया ना। हाँ ठीक तो क्या था? हाँ मतलब दूसरा शो आजकल नहीं हो रहा है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड कर रहा हूँ और बस कुछ नहीं, बाकी दूसरे लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। ये चीज़ ये कोई गंदी बात नहीं होती, ये कॉमेडी का एक टर्म है, इट्स वन ऑफ द पार्ट्स कि आप किसी बड़े कॉमेडियन सीनियर कॉमेडियन के साथ जाके उसके साथ उसके शो में 5 मिनट करो ताकि उसकी ऑडियंस भी आपको जज करे कि ये क्यों कर रहा है कॉमेडी। या अगर आप उतना फनी कर दे 5 मिनट की फिर उसको तो फैन बन जाए, नहीं फिर उसकी ऑडियंस उसको जज करे इसको भी देख लें 1 घंटा। नहीं लोग आते हैं पता है, ये बहुत पुराना टेक्निक है कि कोई भी बड़ा कॉमिक छोटे कॉमिक्स को हेल्प करता है उनको ऑडियंस देके, तो वो हमें क्यों नहीं कर रहे यार? हम बड़े पहले हो गए ना, 38 कमर लेके तुम कॉमेडी में घुसे हो सर। एक तो इसी कोच में 64 दोस्तों ये रहे मटर,
ये बादल इतना मटर मैं घर ले जाऊं तो दादी दो दिन का फंक्शन का खाना बना दे। ये तो खैर गरीबी वाली बात होगी, कोई बात नहीं मतलब। ये तो है हम गरीब जन, ये तो राजधानी में सर ले आए इसलिए पूरा मटर। साउथ जमुनापार से आए हैं, कल बता रहे थे सोजो से हैं ये, सोजो कॉलोनी सोजो एसजे। अरे चलो कहाँ जा रहे हो? बाहर से तो ठीक लग रहा है। दोस्तों ये रूम में आ चुके हैं हम दून में, ये देखिए बादल शर्मा इन अ न्यू लुक, चोटी कटवा के अब लड़कियों का काटने के लिए तैयार बादल शर्मा। ये देखिए दोस्तों ये हमारा रूम जो हमने मुश्किल से 7 घंटे के लिए भी नहीं यूज़ करना, फिर हमने चले जाना है दूसरे सफ़र पे। ये आइए देखते हैं व्यू है क्या यहाँ पे। ये देखिए दूसरे होटल का व्यू है दोस्तों। अगर ये आप ये सामान समूह नीचे फेंक के ये पहले मेरे को छोटी टट्टी करने दो। लैट्रिन दोस्तों तैयार हम हो चुके हैं शो के लिए। ये देखें ये तैयार हम हो चुके हैं शो के लिए निकलना, 7:30 बजे का शो है, आधा घंटा लगे जाने में। देहरादून की सड़कें दिखाते हुए आपको ये चाबी होटल रूम की है मेरी नहीं है में टैची की, वो करते हुए चलिए चलते हैं हम शो की तरफ और कर देना है फुल फन। ये बादल शर्मा जी यहाँ पे, बादल शर्मा रिपोर्ट लेके चल ये रिपोर्टर हमारे, बताए क्या हो रहा है बताइए दर्शकों को हमारे। दोस्तों हो ये रहा है कि बस वाले ने यहाँ लगा दिए, कह रहा है यहाँ से आगे प्लेन में जाना है आपको। प्लेन बहुत दूर खड़ा है दोस्तों, अगर वो दिख रहा है वो हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये भाई साहब के पीछे ही है प्लेन। हाँ वो रहा तो बस खराब हो गई, जाना है वो कह रहा 7:30। और आप बताए उन्होंने जब कहा कि कोई नौजवान हो तो बस को धक्का लगा दे तो आप आए क्यों? रात को मारते मारते सुबह 4:30 बजे। एक मिनट दोस्तों इनसे बात आ रही है। हाँ भाई वो जाएगा जाएगा, अभी समोसे तल रहा है उसका, माचिस खत्म हो गया, जैसे माचिस मिल जाएगा तो समोसे। ये देखिए बाकी लोग ट्रक वालों से मदद मांग रहे हैं, बहन जो कुछ तो होने वाला बड़ा मेरे ख्याल से। हमारी गाड़ी खराब होगी, रात को 4:30 बजे रैंडम आवाज आएगी कोई नौजवान है गाड़ी में, मैं खड़ा हो गया, मैंने कोई जरूरी काम से, कह रहा धक्का लगाना है बस में, मैंने कहा नहीं मैं तो 8 जवान हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी मेरा एक बाकी है तो नौजवान। तो दोस्तों मुराद नगर के पास हमारी बस खराब हुई है, चलते हाईवे पे ये स्टंट होने जा रहा है। देखिए आप ये देखिए स्ट्रेचिंग हो गई, स्ट्रेच ये कहाँ बैठ बस यहाँ है। ये दोस्तों जोर लगा के हाई शाह, जोर लगा के हाई, ओ चल दी भाई सब चल दी, बस तो चल दी भाई सब चल दी, गाजियाबाद तो आई है। क्या हुआ है हो गई है स्टार्ट क्या? चलो फ्राइडे दोस्तों मेरा ही पूरे नौजवान ये क्या हो गया रिवर्स आ गए कुछ हो गए भाई साहब ठीक, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? हाँ अच्छा कुछ हमको भी नहीं दोस्तों, जब तक 8 जवान थे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई, जैसे ही 9 हुए मेरे जाते तो 9 जवानों ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। चलो Why are you gay? बादल शर्मा जी अभी बहुत तेज आनंद फानंद में, हाँ भाग मिल्खा भाग देख के, हाँ अब मैं नहीं हूँ, अब मैंने थोड़ा सा बस को धक्का लगाया, वो बंदा कल्ला टायर लेके जा रहा था, हमें पूरी बस को धक्का लगाना था तो हमें बुरा लगा थोड़ा सा। बट आप मुझे बताए जो हमारा प्लेन का प्लान था उसका क्या होगा? प्लेन का ये हुआ 30-30 रुपए बस वाले से वापस लेंगे, वापस आएंगे यहाँ पे ऑटो करके मुरादनगर, प्लेन वाले से बात करेंगे। बाकी प्लेन का क्या है वो तो रोज चढ़ती रहते हैं, बस का हमारा कभी कभी का है। ये लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा दोस्तों कि बादल शर्मा को सफर करते हुए कुछ 32-33 साल हो गए हैं
ये है 28 साल के, लेकिन सफर 32 साल से कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हाँ, और मुझे सफर करते हुए ये टेक ऑफ यही तो नहीं कर जाएगी बस। हो सकता है भाई। इसको ड्यूरासेल की दो बैटरी दूं, इसका मेरे ख्याल से है पड़ी है, ट्रिपल ए बैटरी पड़ी। ये गियर चेंज हुई है या वक्त चेंज हुआ है बस का? जो कश्मीरी गेट से आ रही है उसका क्या होगा? उसको किसी ने फोन करा है भाई, उसको बता दो जो हमें लेने आ रहा था। कहीं वो इधर से निकले काली बक्ता हो गया, इधर से आते हो गया बैल के लगे थोड़े करा भाई अपने आने का मौका। क्या रे बॉल लगी का तो बैल ही लाने का। ओ दोस्तों चलो ठीक है, सो रहा हूँ दोस्तों। बहुत तेज नींद आई दोस्तों। हम बस के सफर के बाद पहुंच गए थे दिल्ली, और दिल्ली में 2-2.5 घंटे आराम बिताने के बाद, इसको आराम तो नहीं कहेंगे, हमारा अगला सफ़र है पटियाला का, जो कि एक नया व्लॉग बनेगा बिकॉज़ वहाँ का होटल हमने अच्छा बुक किया है। तो बस यही बताने के लिए मैंने पटियाला के व्लॉग की स्टार्टिंग वाले कपड़े पहन के आपको देहरादून की व्लॉग का क्लोजिंग दे दिया है मैंने आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो कि अब नहीं कर रहे हैं, इसके बाद भी नहीं करेंगे, तो मेरा कहना फर्ज बनता है, क्योंकि एक्टर को क्लोजिंग नहीं मिलती तो वो मांगता रहता है क्लोजर दे दो, क्लोजर दे दो। मैं कहा हमें नहीं दिया आज तक किसी ने, तुम्हें क्या दे दें।